इस वीडियो को बिना स्किप करे इसके बस शुरू के 3 से 4 मिनट देख लेना, बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे। आगे की वीडियो देखें आप ना देखें वो आपकी मर्जी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। तो एसी एक ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव अप्लायंस है, इसके अंदर काफी महंगे महंगे कॉम्पोनेंट्स का यूज होता है, जैसे पीसीबी, मोटर, कंप्रेसर, और अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो गया तो आपको काफी महंगा पड़ सकता है रिप्लेसमेंट में। 2-3 हजार रुपए से लेकर 15-20 हजार रुपए तक का वो कंपोनेंट पड़ सकता है। अब इनके खराब होने का जो एक सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यानी कि जो वोल्टेज आपके घर में आ रही है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो ये कॉम्पोनेंट्स खराब हो सकते हैं। इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक ऐसा अप्लायंस है जिसको वोल्टेज जो मिलती है, चाहे वो कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है, वो उसको खींच के रेंज में लाता है और आगे अप्लायंस तक पास ऑन कर देता है। तो एसी के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर को कनेक्ट किया जाता है और यहां पर यह वोल्टेज को रेंज में लाके और आगे आपके एसी तक पहुंचाता है ताकि आपका एसी सेफ रहे। लेकिन मार्केट में जब आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने जाएंगे तो वो 1000-2000 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 7-8 और 9 हजार रुपए तक के वोल्टेज स्टेबलाइजर आते हैं। ये मैं नॉर्मल स्टेबलाइजर की बात कर रहा हूँ जो आप एसी के साथ कनेक्ट करते हैं, मेन लाइन वाले स्टेबलाइजर की नहीं। नॉर्मल स्टेबलाइजर जो एसी के साथ कनेक्ट करते हैं इसी की जो प्राइस रेंज होती है 1500-2000 रुपए से लेकर 8-9 हजार रुपए तक होती है। तो इतना डिफरेंस इसमें क्यों है तो वो सब डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि क्या हर टाइप के एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूरी है। मार्केट में विंडो एसी भी होते हैं, स्प्लिट एसी भी होते हैं। स्प्लिट एसी में फिर 2 सब कैटेगरी भी हैं, नॉर्मल एसी या फिर इन्वर्टर एसी। तो सबसे पहले इन्वर्टर एसी की बात करते हैं। इन्वर्टर एसी ऑलरेडी एक ऐसा अप्लायंस है जिसकी खुद की एक वोल्टेज रेंज होती है। हर एसी की अलग अलग होती है, किसी की कम से कम 160-170 होती है और मैक्सिमम 270-280 तक होती है। तो अगर आपने इन्वर्टर एसी लगा रखा है इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उसकी खुद की एक वोल्टेज रेंज है, तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है उस रेंज के अंदर तो वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर वोल्टेज उस रेंज से ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, मान लीजिए 160 से 270 तक की उसकी रेंज है और 160 से भी नीचे वोल्टेज चली जाती है या 270 से ऊपर चली जाती है तो क्या होगा, तो वहां पर इन्वर्टर एसी को भी दिक्कत है। नॉर्मल एसी में तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगवाना ही लगवाना है, उसकी खुद की कोई रेंज नहीं होती। इन्वर्टर एसी में आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि यार लगवा ही लेते हैं इन्वर्टर एसी में भी, बाद में वोल्टेज कितनी ही कम हो कितनी ही ज्यादा हो देखा जाएगा, लेकिन इन्वर्टर एसी में एक चीज का ध्यान रखना, वहां पर आप कम वोल्टेज रेंज वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर मत लगवाइए। वोल्टेज रेंज के बारे में बात कर लेते हैं और साथ में कुछ और पॉइंट्स भी आपको बता देता हूं जो वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वोल्टेज रेंज अलग अलग होती है, 170 से 270, 150 से 270 या 280, उससे कम भी आ जाती है, 130 भी आ जाती है, 90 वोल्ट भी आ जाती है। तो ये अलग अलग वोल्टेज रेंज वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा आप रेंज बढ़ाते चले जाएंगे उतना वो बढ़िया है, लेकिन उतना ही वो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि इन्वर्टर एसी के लिए आप कम रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी तो इन्वर्टर एसी अपनी खुद के लिए बैठा है, ज्यादा वोल्टेज रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर ही प्रेफर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, डिजिटल डिस्प्ले। पुराने जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते थे उनमें एलईडी इंडिकेटर्स होते थे जिनसे ये पता लग जाता था कि वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑन है, काम कर रहा है या नहीं, उससे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आजकल जो वोल्टेज स्टेबलाइजर आते हैं उनमें डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। डिजिटल डिस्प्ले में ये आपको पता चल जाता है कि कितनी इनपुट वोल्टेज आ रही है और वोल्टेज स्टेबलाइजर उसको कितना बढ़ाकर या घटाकर आगे अप्लायंस तक पहुंचा रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपको काफी चीजें डिटेल में पता लगती हैं। आज भी कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो न्यू हैं लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर एलईडी इंडिकेटर्स का यूज किया गया है, लेकिन जब भी आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लें तो उसके अंदर देखिए डिजिटल डिस्प्ले होनी जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, टाइम डिले फीचर। आपके एसी के अंदर कंप्रेसर होता है और जैसे ही 2-3 बार लाइट जाती है तो कंप्रेसर को उस करंट को बैलेंस आउट करने के लिए टाइम लगता है, 2-3 मिनट का टाइम उसको लगता है। अब ऐसे में पावर जल्दी से वापस आ जाती है तो अगर करंट तुरंत ही एसी को मिल जाएगा तो वो करंट बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा और उसके कंप्रेसर के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं टाइम डिले। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर को तो करंट मिल गया लेकिन वो आगे एसी तक करंट को सप्लाई नहीं करेगा, थोड़ा सा डिले कर देगा, थोड़ा सा उसको होल्ड कर लेगा। इससे फायदा ही हो जाता है कि जो एसी का कंप्रेसर है वो पुराने करंट को बैलेंस आउट कर पाता है और फिर उसके बाद नया करंट उसको मिलता है, उसके बाद वो नॉर्मली स्टार्ट हो पाता है। तो यहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके एसी के कंप्रेसर को बचा लेता है खराब होने से और ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज कट ऑफ प्रोटेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि वोल्टेज स्टेबलाइजर की खुद की रेंज होती है जैसे 170 से 270। अब मान लीजिए 170 से नीचे भी वोल्टेज जा रही है, 270 से ऊपर भी जा रही है, तो ऐसे में वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करेगा, वो वोल्टेज को कट ऑफ कर देगा, आगे आपके अप्लायंस तक नहीं पहुंचाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटर कंपैटिबिलिटी। तो काफी ऐसी हाई राइज सोसाइटीज होती हैं जहां पर पावर कट होने के बाद डीजल जनरेटर से पावर सप्लाई करी जाती है, तो ऐसे में वोल्टेज स्टेबलाइजर जो आते हैं इसमें आपको देखना चाहिए क्या वो जनरेटर कंपैटिबल है।
काफी ऐसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं जो जनरेटर कंपेटेबल नहीं होते, तो वहां पर वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी हाई राइज सोसाइटी में या ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर पावर कट होने के बाद डीजल जनरेटर से पावर मिलती है, तो इस फीचर को जरूर चेक कीजिए। और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दो टाइप की होती है, एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम वाली सस्ती पड़ती है, कॉपर वाली महंगी पड़ती है, लेकिन कॉपर वाली की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। तो हमेशा कॉपर वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर प्रेफर कीजिए। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसको सिंपली पता करने का तरीका ये है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर कितनी वारंटी मिल रही है। अगर 3 साल 5 साल की आपको वारंटी मिल रही है, इसका मतलब उसमें कॉपर वाइंडिंग का यूज किया गया है। अगर 1 साल की वारंटी मिल रही है तो शायद वहां पर एल्यूमिनियम वाइंडिंग का यूज किया गया है, क्योंकि ब्रांड अपने प्रोडक्ट पर कम वारंटी आपको दे रहा है, इसका मतलब ब्रांड को पता है कि उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता है, अब आप वोल्टेज स्टेबलाइजर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए खरीद के ला सकते हैं। ऑफलाइन अपने घर के आसपास किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। कुछ मॉडल्स जो मार्केट में बेस्ट हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखे हैं ऑल्टन ब्रांड के डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, ऑल्टन इंडियन ब्रांड है और ये हर टाइप के वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हैं, मेन लाइन के लिए भी, एसी के लिए भी, रेफ्रिजरेटर के लिए भी और दूसरे अप्लायंसेस के लिए भी। इनके मल्टीपल वोल्टेज स्टेबलाइजर मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल 4 kVA के इनके जो मॉडल्स हैं वो 1.5 टन के एसी के लिए कंपेटेबल हैं। इसमें 4 मॉडल्स आपको मिलेंगे, मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब की जो वोल्टेज रेंज है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल 170 से 270, 150 से 280, 130 से 280 और 90 से 300। आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। जो आपको लगता है कि यार इतनी वोल्टेज रेंज का मेरे एरिया के लिए काफी होगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा वोल्टेज रेंज बढ़ती चली जाएगी उतना प्राइस बढ़ता चला जाएगा। जैसे 170 से 270 वाला आपको 1600 से 1700 के आसपास पड़ेगा, 150 से 280 वाला आपको 3000 से 3100 के आसपास पड़ेगा, 130 से 280 वाला आपको 3400 से 3500 के आसपास पड़ेगा और लास्ट में 90 से 300 वाला 6000 से 6100 के आसपास पड़ेगा। ये सभी मॉडल्स 1.5 टन के एसी के लिए बने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 2 टन का एसी है तो उसके लिए आपको 5 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। और ये जो नेक्स्ट मॉडल्स आप देख रहे हैं ये सारे 2 टन के एसी के लिए बने हैं, 5 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर। इनमें भी अलग अलग रेंज आपको मिलेगी, रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसी हिसाब से अगेन यहां पर भी जो प्राइस है वो कम से ज्यादा होता हुआ चला जाएगा जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी। 160 से 280 वोल्टेज वाला जो मॉडल है वो 3200 से 3300 के आसपास आपको पड़ेगा और जो सबसे ज्यादा 90 से 300 वोल्ट वाला मॉडल है वो 7200 से 7300 के आसपास आपको पड़ेगा। और ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूं ये Amazon का प्राइस है। मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स पर प्राइस चेक किया था, Amazon पर सबसे कम प्राइस था, इसलिए मैं Amazon का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप खुद जाके Amazon पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको बढ़िया लगते हैं तो इन मॉडल को आप परचेज कर सकते हैं। ये सारे वोल्टेज स्टेबलाइजर कंपैटिबल हैं किसी भी टाइप के एसी के लिए, चाहे आप विंडो एसी के साथ लगाइए, स्प्लिट एसी के साथ या फिर इन्वर्टर एसी के साथ। इन सभी मॉडल्स में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी एक्सेप्ट द फर्स्ट मॉडल, जो अभी मैंने 4 kVA का सबसे पहला मॉडल आपको दिखाया था 170 से 270 वोल्ट वाला, उसको छोड़ के बाकी सब में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी। स्मार्ट टाइम डिले फीचर भी आपको मिल जाएगा जो अभी शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर भी इनमें आपको मिलेगा। बॉडी इनकी पूरी मेटेलिक है और जो ट्रांसफार्मर है वो कॉपर वाइंडिंग वाला है और 3 साल की वारंटी आपको इन वोल्टेज स्टेबलाइजर पर मिलेगी। Amazon पर अगर आप इनकी स्टार रेटिंग चेक करेंगे तो काफी लोगों ने ये मॉडल्स यूज करे हैं और काफी बढ़िया स्टार रेटिंग इनको दी है। लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने 4.1 स्टार रेटिंग इन मॉडल्स को दी है। नंबर 2 पोजीशन पर हमने रखा है V-Guard का वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब V-Guard के भी मल्टीपल मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आपको एक ही मॉडल दिखाने वाला हूं जो मेरे को काफी बढ़िया लगा। ये मॉडल है V-Guard ID4ACE5540 वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका जो प्राइस है वो 4800 से 5000 के आसपास है और ये 1.5 टन के एसी के लिए कंपेटिबल है। अगर 1.5 टन से ऊपर का एसी है तो उसके लिए ये मॉडल कंपेटिबल नहीं है। वोल्टेज रेंज की अगर बात करें तो 130 से 280 वोल्ट ये सपोर्ट करता है, यानी कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आपके एरिया में है तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। कलर चेंजिंग LED रिंग इसमें आपको मिल जाती है विद डिजिटल डिस्प्ले, यानी डिजिटल डिस्प्ले में आप नंबर्स भी देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का, और प्लस आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे काम कर रहा है उस हिसाब से LED रिंग का कलर भी चेंज हो जाता है। इसमें भी आपको स्मार्ट टाइम डिले फीचर मिल जाएगा, लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर कॉपर वाइंडिंग का है और 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। इसकी जो Amazon रेटिंग है वो 4.3 है और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में हमने Microtek की EM सीरीज के डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर रखे हैं। मल्टीपल मॉडल्स यहां पर भी हमने रखे हैं 4 kVA और 5 kVA में। 4 kVA वाले जो मॉडल है वो 1.5 टन एसी तक के लिए कंपेटेबल है। इसमें मल्टीपल मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन पर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं और उन्हीं के सामने वोल्टेज रेंज भी लिखी हुई है और उनके आगे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो जो सबसे कम रेंज वाला है 4 kVA
चाहिए मैं 170 से 270 वाला, वो लगभग 1500 से 1600 के आसपास आपको पड़ेगा। इस मॉडल को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके पास एक रेगुलर एसी है, लेकिन इन्वर्टर एसी में इसका कोई ज़्यादा खास बेनिफिट है नहीं, क्योंकि इन्वर्टर एसी की अपनी खुद की वोल्टेज रेंज लगभग इतनी ही होती है। इन्वर्टर एसी में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो वोल्टेज रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ानी आपको पड़ेगी। जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इस सीरीज में आपको मिलेगी वो है 90 से 300, और इसका जो प्राइस है वो लगभग 8000 से 8200 के आसपास रहता है। नेक्स्ट इसमें 5kVA के मॉडल भी आपको मिल जाएंगे जो अप टू 2 टन के एसी तक के लिए कंपैटिबल हैं। इसमें भी चार मॉडल आपको मिलते हैं, 170 से 270, 150 से 290, 130 से 300 और मैक्सिमम 90 से 300। अगेन सेम प्राइस बढ़ता चला जाएगा जितनी ज्यादा वोल्टेज रेंज के साथ आप लेंगे। कम से कम जो छोटा मॉडल है वो 2300 से 2500 के आसपास आपको पड़ेगा, और जो सबसे बड़ा मॉडल है वो 8500 से 8700 के आसपास आपको पड़ेगा। ये वाले मॉडल भी हर तरीके के एयर कंडीशनर्स के साथ कंपैटिबल हैं। डिजिटल डिस्प्ले इन सारे मॉडल्स में आपको मिल जाती है, स्मार्ट टाइम डिले फीचर में आपको मिल जाता है, लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर आपको मिल जाएगा, मेटेलिक बॉडी है इनकी भी, और ट्रांसफार्मर जो है वो कॉपर वाइंडिंग का है। यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, Amazon पर मैंने मल्टीपल कस्टमर्स के रिव्यू चेक करे थे, काफी लोगों ने इनके रिव्यू में लिखा हुआ है कि इनका जो ट्रांसफार्मर है वो एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाला है, जो कि बात मेरे को हजम नहीं हो रही, क्योंकि माइक्रोटेक एक वेल नोन कंपनी है और इन्होंने खुद क्लेम किया है कि इनके वोल्टेज स्टेबलाइजर कॉपर वाइंडिंग वाले हैं और ये 3 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इसमें एल्यूमिनियम वाइंडिंग का यूज किया गया है, उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि किसी ने फोटो खींच के नहीं डाली है, उन्होंने बस लिख दिया है कि इसमें एल्यूमिनियम वाइंडिंग का यूज हुआ है। तो जब आप ये मॉडल्स खरीदेंगे तो थोड़ी सी रिसर्च अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि घर के आसपास किसी दुकान पर जाके चेक कीजिए, वहां पर आपको डिटेल्स काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इन मॉडल की अगर मैं स्टार रेटिंग की बात करूं तो काफी लोगों ने ये मॉडल्स यूज भी करे हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने ये मॉडल्स यूज करे हैं और 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग Amazon पर इन मॉडल्स को दी है। तो कुछ लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम वाइंडिंग का यूज हुआ है, उसके विपरीत में काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको ये मॉडल्स पसंद आए और बढ़िया स्टार रेटिंग उन्होंने इन मॉडल्स को दी है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी। ऐसे तो वोल्टेज स्टेबलाइजर मल्टीपल ब्रांड्स के हैं, मैं अगर आपको दिखाने बैठूंगा तो काफी सारे ब्रांड्स हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ गिने चुने ब्रांड्स के वोल्टेज स्टेबलाइजर हैं जो मार्केट में अच्छी रेटिंग के साथ चल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इन मॉडल्स में से चूज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सबके लिंक मिल जाएंगे। ऑनलाइन चेकआउट करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अगर ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।